हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं करने वाली हूँ एक ऐसा लुक जो आप पार्टीज़ में कर सकते हैं, आप अपनी ब्राइड को कर सकते हैं, आप गेस्ट पार्टी मेकअप कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें वैसा मेकअप कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी होने वाला है एंड मैं फुल स्मोकी आइज आपको सिखाने वाली हूँ आज। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वाओ का मैंने टोनर यूज़ करने वाली हूँ जो रोज़ एंड लेवेंडर से बना है। पूरे फेस पे लगाने के बाद आपको इसको 5 मिनट के लिए ड्राई होने देना है। हाँ, टोनर अच्छे से ड्राई हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप हम करने वाले हैं मॉइस्चराइज़र। तो आज मैं सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मैं सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ करने वाली हूँ। तो मैजिक ड्रॉप आपने सुना ही होगा कि आजकल बहुत ब्रांड में चल रहा है। यह है क्यूटी ब्यूटी का मैजिक ड्रॉप। तो आज मैं जस्ट 1 ड्रॉप इसको लेने वाली हूँ। अपनी फाउंडेशन पैलेट पे लूंगी एंड देन अप्लाई करूंगी। जो भी हमारे ओपन पोर्स हैं हम वहां पर इसे अप्लाई करेंगे अच्छे से। इस प्रोडक्ट से स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। प्राइमर, तो हम आज प्राइमर यूज़ करने वाले हैं मेकअप स्टूडियो का प्राइमर यूज़ करेंगे। तो अब मैं अपनी स्किन को कैरेक्टर से करेक्ट करने वाली हूँ। जितना भी डिस्कलरेशन है उसको मैं हाइड कर लूँगी। ये हमारे पास पर्पल का है, 6 शेड है इसके अंदर। सो अभी मैं पहले ऑरेंज वाला यूज़ कर लेती हूँ। जहाँ जहाँ भी डिस्कलरेशन होगा हम वहाँ वहाँ ये अप्लाई कर लेंगे। हमारा ब्लेंडर वेट है। अब हम लेने वाले अपना फाउंडेशन जो है हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन, जिसका कलर है एंजल फूड इसका शेड है एंड इसको हम ले लेते हैं थोड़ा सा। अब इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं मेबलिन का थोड़ा सा डार्केस्ट शेड। मेबलिन फिट मी का डार्केस्ट शेड है ताकि ये मेरी स्किन टोन का हो जाए। तो इसे आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हुडा फाउंडेशन है तो ये बहुत थिक फाउंडेशन है, तो हम जल्दी जल्दी से ब्लेंड करेंगे अच्छे से। अब हम अप्लाई करने वाले हैं एल्फ का कंसीलर।
जिसका शेड है लाइट आइवरी। इसे हम अपने हाईलाइट पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। सो अभी हम सेम पैलेट से ब्राउन लेंगे अपनी स्किन को कॉन्टोर करने के लिए, अपने फेस को पूरा कॉन्टोर करेंगे। आज हम क्रीम कॉन्टोर करने वाले। अब हम पाउडर लॉक करेंगे अच्छे से, एंड लॉरियल का कॉम्पैक्ट पाउडर मैं यूज़ करने वाली हूँ। हमें यूज़ करने वाली लैक्मे का लूज पाउडर। अभी यूज़ करने वाली हूँ इन कलर का जेल आईलाइनर जो है ब्लैक कलर का। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। अब हम थोड़ा सा पिंक का टेंट देते हुए इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। पिंक आई शेडो लेने वाली हूँ मैं। ऐसे ही हम दूसरी आईज़ पे भी कर लेते हैं। सो दोनों आई लुक हो गया है कम्प्लीट। अभी हम लगा लेते हैं अपनी वाटर लाइन पे काजल। सो आज हम ब्लैक काजल ही लेने वाले हैं क्योंकि हम फुल स्मोकी करने वाले हैं। काजल हो गया है डन। अब हम अपनी लोअर लैश पे सबसे पहले अप्लाई करेंगे एक पिंक शेड जो हमने अपर लैश पे अप्लाई किया था, वही सेम आई शेडो हम अप्लाई करेंगे। सो हमारी आईज़ में अप्लाई हो गया है। सो ब्लैक आई शेडो अप्लाई कर लेते हैं पिंक के जस्ट ऊपर लोअर लैश के, लोअर लैश वाटर लाइन से नीचे।
जॉली फैक्ट है मेरे पास कलर एसेंस का, जिसका शेड है सिल्वर। अब हम ये सारा डस्ट रिमूव कर लेंगे। आईब्रो ड्रॉ करेंगे मालियों के आईब्रो डिफाइनर के साथ। सबसे पहले हम स्पूली ब्रश से अपने आईब्रो को कॉम कर लेंगे। अब हम डार्क शेड लेंगे एंड अपनी आईब्रो के बीच में से अप्लाई करेंगे। ऐसे ही हम अपनी दूसरी आईब्रो बना लेंगे। अब हम थोड़ा सा ब्रो बोन पे जॉली इफेक्ट लगा लेंगे अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए। थोड़ा सा हम इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई करेंगे। अब हम अपनी लैशेस पे मस्कारा अप्लाई कर लेंगे। हमें यूज करने वाली बॉम्बे वैनिटी के आई लैशेस। ब्रश में यूज करने वाली हूँ एंजल गर्ल के पैलेट से। सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं मेकअप फिक्सर जो मेरे पास है फेसेस कनाडा का। इसको हम ड्राई होने देते हैं। हाइलाइटर हो गया डन। अभी हम लिपस्टिक अप्लाई कर लेते हैं। मेरे पास है मेबलिन की लिपस्टिक। So guys, this is the final look. तो आप लोगों को ये लुक कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
एंड जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, बाय।